हेलो फ्रेंड्स एंड एवरीवन हु इज़ वाचिंग मी। आज का ये जो वीडियो है ये मैंने खास करके स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे अक्सर कहते हैं कि वो परेशान हैं, और परेशान किस बात से हैं कि जो रिश्तेदार हैं, लोग हैं, आसपास के पड़ोसी हैं, या फिर उनके जो साथ फ्रेंड्स हैं, उनके माँ बाप, उनके क्या कह सकते हैं, बहन भाई, सब उनको परेशान करते हैं, तंग करते हैं, पूछते रहते हैं। जहाँ भी मिलेंगे वहाँ पूछते रहते हैं, भैया बताओ आप आगे क्या करने वाले हो, आप कौन सा कोर्स करोगे, ज़िंदगी में क्या बनोगे, अरे एग्ज़ामिनेशन आने वाले हैं तो कितने मार्क्स आएंगे, तुमने कितनी पढ़ाई की, कौन सा सब्जेक्ट तुमको नहीं आता, कौन सा सब्जेक्ट तुमको अच्छे से आता है, तुम्हारी वीक पॉइंट्स क्या हैं, तुम्हारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। इतने सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि बेचारे जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो परेशान मत होइए। आज की ये जो कहानी है, मैं बहुत अच्छी मोटिवेशनल कहानी है जो मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए लाया हूँ। जो भी मुझे देख रहे हैं ध्यान से सुनिए, मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ। ये कहानी दो दोस्तों की है। दो दोस्त, दोनों ही एक स्कूल में पढ़ते हैं, और स्कूल में उनका एक टीचर है जो उनको अच्छे से सब सब्जेक्ट वगैरह सिखाता है। ये गांव का स्कूल है। अपने शहर का स्कूल होता तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स होते थे, तो गांव में एक ही टीचर है जो उनको सब सब्जेक्ट पढ़ा देता है। होता ये है कि जो पहला स्टूडेंट है उसमें, ठीक है, मैंने कहा ना दो दोस्त हैं, दोनों ही स्टूडेंट हैं, जो पहला जो है उसको ऐसा लगता है कि जो ज्ञान उसे उस स्कूल में मिल रहा है वो काफ़ी नहीं है ज़िंदगी को समझने के लिए। तो वो क्या करता है, अपने गांव से थोड़ी दूर पहाड़ी पर एक गुरुजी रहते हैं, वो उनके पास जाता है और उनके गुरुकुल में शाम के वक्त जाकर ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो जो दूसरा विद्यार्थी है, जो उसका जो दोस्त है, उससे ज़्यादा स्मार्ट होना शुरू हो जाता है, यानी उसका नॉलेज बढ़ जाता है। तो उसे बहुत अच्छे से लोगों से बात करना, कैसे निपटना ऐसे परिस्थितियों से जब कोई बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ पूछ के आपको परेशान कर दे, ये सब उसको अच्छे से आने लगता है। तो जो दूसरा स्टूडेंट है ना, हालांकि उसका दोस्त होता है, उसे पता है कि ये गुरुजी के पास जाता है, लेकिन वो गुरुजी के पास नहीं जाता, वो अपने टीचर के पास जाता है जो उसे स्कूल में पढ़ाता है, और जाके बोलता है, टीचर टीचर आप जो पढ़ाते हो ना उससे मैं इतना स्मार्ट नहीं बना, लेकिन देखो मेरा जो दोस्त है वो जो गुरुजी है ना ऊपर पहाड़ी पे रहते हैं, जिनका छोटा सा गुरुकुल है, उनके पास देखो कितना स्मार्ट बन गया। तो अब वो जो टीचर होते हैं ना उनको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि ऐसा थोड़ी ना, मैं भी तो ज्ञान देता हूँ, उसका ज्ञान में ऐसी कौन सी बड़ी बात है। तो अब क्या होता है, ये जो टीचर होते हैं ये उस विद्यार्थी को ट्रेन करते हैं, उसे अलग अलग प्रश्न बताते हैं और कहते हैं जाओ जाकर उसको पूछो। तो पहला प्रश्न जो होता है उसको, जो वो कहते हैं उस विद्यार्थी को, कि अगर तुम्हें तुम्हारा दोस्त मिले, वो जो गुरुजी के पास जाके शिक्षा ले रहा है, जहाँ भी मिले उसको पूछो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, फिर देखो उसका आंसर क्या आता है। अब एक दिन जो मार्केट प्लेस होती है जहाँ पर सब्जी वगैरह बिकती है, वहाँ पर वो जो पहला विद्यार्थी है जो गुरुजी के पास शिक्षा ले रहा है, वहाँ पर वो पहुँचता है, और ये भी वहीं पर उसको मिल जाता है, दूसरा जो उसका दोस्त है विद्यार्थी जो टीचर से ज्ञान लेकर आया है। तो वो उसको जैसे टीचर ने कहा है उसको पहला प्रश्न पूछता है, बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो इतना स्मार्ट होता है कि वो वहाँ आने का जो रियल रीज़न है, कारण है, ये नहीं बताता। वो ये बताता है मैं तो बस यूं ही चला आया क्योंकि मेरे पाँव मुझे यहाँ ले आए, मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं। हालांकि वो सब्जी मार्केट में आया होगा तो सब्जी लेने आया होगा, लेकिन कितने अच्छे से उसने कह दिया कि मेरे पाँव मुझे यहाँ ले आए और मैं आ गया। अब वो जो उसका दोस्त था उसने बात सुनी और गया अपने टीचर के पास। टीचर को जाके बोलता है कि मैंने उसको पूछा व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो उसने कहा मुझे नहीं पता, बस मेरे पाँव ले आए। अब जो वो टीचर थे उन्होंने कहा अगली बार फिर जाओ और उसको फिर से पूछो, तुम्हारे पाँव आज तुमको कहाँ लेकर जा रहे हैं। उसने ये बात को नोट कर लिया। फिर अगली बार वो लोग फिर उसी मार्केट में मिलते हैं, अगले दिन फिर से मार्केट में मिलते हैं, और वो जो पहला जो दोस्त है जो गुरुजी से शिक्षा प्राप्त कर रहा है वो पहुंचता है, और ये दूसरा जिसने टीचर से वो क्वेश्चन अभी अभी एक दिन पहले से वो पूछ कर आया है वो उससे मिल जाता है, और उसको जानबूझ कर रोक कर पूछता है आज बताओ आज तुम्हारे पाँव तुम्हें कहाँ लेके जा रहे हैं।
अगले दिन भी वो जो पहला दोस्त है, जो पहला विद्यार्थी है, वो उसको सही कारण नहीं पता था। वो उसे कहता है, आज आज मेरे पाँव मुझे कहीं नहीं लेके जा रहे हैं, हवा जहाँ जा रही है ना, मैं हवा को फॉलो कर रहा हूँ, हवा मुझे जहाँ लेके जा रही है मैं वहाँ पर चले जा रहा हूँ। फिर से वो जो उसका दोस्त था उसको झटका लगा, अरे यार कल कहता है कि जहाँ मेरे पाँव लेके जा रहे हैं मैं जा रहा हूँ, आज कहता है जहाँ हवा लेके जा रही है मैं जा रहा हूँ। बड़ा अपसेट हो जाता है, वो अपने टीचर के पास जाता है वापस। टीचर को जाकर बताता है कि ऐसे ऐसे कल तो वो कह रहा था कि जहाँ मेरे पाँव लेके जाते हैं मैं पहुँच जाता हूँ, आज जब मैंने पूछा सब्जी मार्केट में क्या कर रहा है तो कहता है आज मैं हवा को फॉलो कर रहा हूँ, हवा मुझे जहाँ लेके जाती है मैं वहाँ जाता हूँ। तो जो टीचर थे वो भी थोड़े परेशान हो गए, तो उन्होंने फिर से एक और जो थर्ड क्वेश्चन उसको पूछने के लिए कहा, उस विद्यार्थी को कहा, अगर तुम कल उसको वहीं पर मिलो ना मार्केट प्लेस पर, सब्जी मार्केट में, तो उसको पूछो आज कहाँ जा रहे हो, जहाँ तुम्हें हवा लेके जा रही है या जहाँ तुम्हारे पाँव लेके जा रहे हो। फिर क्या हुआ, अगले दिन बराबर उसी समय जिस समय वो पहला विद्यार्थी सब्जी मार्केट में आता है, ये दूसरा भी पहुंच गया। अपने जो टीचर ने जो उसे बात बताई है, बराबर जाकर उसने उसको रोका, नमस्ते नहीं, हेलो नहीं, कुछ नहीं, सीधा उसने कहा, क्यों दोस्त कैसे हो, मुझे पता है पहले दिन तो तुम वहां जा रहे थे जहां तुम्हारे पाँव लेके जा रहे थे, कल जब तुम मुझे मिले तुम हवा को फॉलो कर रहे थे ना, हवा तुम्हें जहां लेके जा रही थी तुम हवा के साथ जा रहे थे, आज बताओ आज कहाँ जा रहे हो, आज तुम अपने पाँव जहाँ लेके जा रहे हो वहां जा रहे हो या जहाँ हवा लेके जा रही है वहां जा रहे हो। उस दिन उस दोस्त ने कहा, कितने मूर्ख हो तुम, सब्जी मार्केट में कोई सब्जी खरीदने ही आएगा ना, ये हवा लेके जा रहे पाँव लेके जा रहे ये सब क्या बात बोल रहे हो। समझ में आई बात आपको, स्टोरी समझ में आई गई होगी। यू सी, जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे अभी अभी सुना, डिफरेंस होता है एक टीचर में और एक गुरु में। इसके बारे में इंटरनेट से आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी क्या डिफरेंस है। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊं तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, आपको एक वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि गुरु और कहते हैं ना टीचर में डिफरेंस क्या है। आज के लिए मैं इतना ही बोल सकता हूँ, जिस दिन टीचर का काम आपकी ज़िंदगी में ख़त्म होता है ना, आप ग्रेजुएट हो जाते हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हो, लेकिन जिस दिन गुरु ने अपना ज्ञान देकर आपको आज़ाद कर दिया, उस दिन आप जिंदगी में सेलिब्रेट करते हो, सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन होता है। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। उम्मीद है आप सीख गए होंगे कि अगली बार आपको कोई ऐसे प्रश्न पूछे, बेटा कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, तो आपको पता है क्या बोलना है, जहाँ मेरे पाँव लेके जा रहे मैं वहाँ जा रहा हूँ, जहाँ हवा लेके जा रही है मैं वहाँ जा रहा हूँ, या मेरी माँ ने मुझे जहाँ जाने के लिए कहा है मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरे पिता ने मुझे कहा है मैं वहाँ जा रहा हूँ। अब आप समझ गए होंगे आपको कहाँ जाना है। तब तक सच्चाई ना बताइए जब तक सामने वाला परेशान ना हो जाए। धन्यवाद, थैंक यू।